हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो पेपर है जनरल इंग्लिश का, उसके बारे में। इधर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आवर्स दे रखे हैं, ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है। इधर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज दे रखे हैं और मैक्सिमम आवर्स दे रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उन्हें स्किप कर देते हैं, वो आप हर पेपर में पढ़ लेते हैं और मैं समय बर्बाद ना करते पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पैसेज दे रखा है जिसको केयरफुली रीड करना है और उसके क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको पैसेज के अंदर मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो वे आप क्वेश्चन देख लें। ये देखिए पूरा पैसेज, ये पैसेज के क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ। ये बी पार्ट है, टू एच डायरेक्टेड करना है इसमें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पैसेज है, ये पैसेज का क्वेश्चन है ए, ये बी, थर्ड नंबर है सेक्शन बी जिसमें आपको दे रखा है एनेसेंस कैंप के बारे में आपको लिखना है। हिंट दे रखे हैं आपको 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है। ये और के अंदर क्वेश्चन है जिसमें आपको रिपोर्ट लिखनी है द वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है किस पर, एन एक्सीडेंट यू विटनेस्ड फॉर द क्रॉनिकल भोपाल इन अबाउट 100 वर्ड्स। ये देखिए, और अथवा हम दूसरा क्वेश्चन है आपको ऐसे लिखना है 250 वर्ड्स में किसी एक पर। पहला है माई हॉबी, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, थर्ड है वंडर्स ऑफ साइंस, फोर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, फिफ्थ है विजिट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट के लिए। आप बायोलॉजी ग्रुप हैं, आपको 8 ग्रुप चाहिए इसके साथ। अथवा में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इसका अथवा है। दोनों में आपको लेटर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देख रहे हैं। इस पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। ये देखिए सेक्शन सी, आपको ब्रैकेट के अंदर अल्टरनेटिव दे रखे हैं, आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है ब्रैकेट्स के। अभी आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेते रहें, थोड़ी देर में आपको सारी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए ये सेक्शन डी है, आपको पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना है और क्वेश्चनों के आंसर देना है। ये क्वेश्चन है हु इज़ द कैप्टन इन दीज लाइन्स। नेक्स्ट है नेम द पोइट ऑफ दीज लाइन्स। थर्ड है वेयर डज द कैप्टन लाई, और के अंदर क्वेश्चन है ये पोएम से इसकी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएम। दूसरा है हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। थर्ड है व्हाट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर हर्ट्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको एनी 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला है हाउ डू पीपल रिएक्ट एज द शिप अप्रोचेज द पोर्ट। सेकेंड है व्हाट डज द टू रोड्स सिग्निफाई। थर्ड है व्हाट डज द पोइट वांट अस टू डू बिफोर पुटिंग फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड। डी है वाई इज द क्लैम्प कॉल्ड डिस्क्राइब्ड इनोसेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। पहला है व्हाट डज लेंचो आस्क टू गॉड फॉर इन हिज लेटर। नेक्स्ट है हु वाज मुस्तफा। थर्ड है व्हाट रिलीजन डिड गांधी जी कन्फेस टू बिलीव। डी है व्हाट इज वर्स देन फेलियर। ई है व्हाई डिड लक्ष्मी गो टू द जंगल। एफ है हु वाज द टू साधुज। जी है वेन डिड द चिल्ड्रन प्ले इन द यार्ड्स गार्डन। एच है व्हाट इज द चैंडलर्स वोवल। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको किन्हीं दो क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहला है व्हाट मेड हामिद बाय चिमटा। सेकंड है हु वाज लिटिल बॉय वेयर डिड ही टेक द कैंट बाय। नेक्स्ट है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ लेसन द वाइज जंग
जज, क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला है डेला सोल्ड खाली जगह टू बाय गिफ्ट फॉर जिम, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये फोर फिफ्थ, ये बी पार्ट है, आपको मैच करना है कॉलम ए का कॉलम बी से। तो ये थे सारे क्वेश्चनों के आंसर, सारे क्वेश्चंस जिनके सॉल्यूशन हम आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।